नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कुछ कॉन्फर्म अपडेट और कुछ रूमर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एक न्यू साइनिंग के बारे में, जिसको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपने रिजर्व टीम से मेन स्क्वाड में रजिस्टर्ड किया है, और उस खिलाड़ी का नाम है भाई दीपू मिर्धा, जो कि मेनली एक सेंटर फॉरवर्ड है। तो दीपू मिर्धा 2019 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट किया और 6 गोल भी लगाया है। उसके बाद आसाम का सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग में भी इन्होंने 8 गोल के साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब जीता है, जिसके चलते उनको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का रिजर्व टीम में मौका मिला, और वहीं से लेकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने उनको अपने मेन स्क्वाड में रजिस्टर्ड किया। और आप बात करते हैं भाई कुछ रूमर्स के बारे में, तो ISL 7 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से कुछ रूमर्स निकल कर आया है, जिसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट हमें नहीं मिला। लेकिन ये रूमर्स आखिर है क्या, चलिए देख लेते हैं। तो एक रूमर्स के जरिए हमें ये पता चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और आई लीग क्लब निरोका एफसी मार्च होकर ISL 7 में खेलने वाले हैं, यानी कि इन दोनों टीमों को मिलाकर एक ही टीम बनाया जाएगा, जिसका स्पॉन्सर्ड होगा क्वेस, और वो टीम खेलेंगे ISL 7 में। तो ये सिर्फ एक रूमर्स ही है, इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट हमें नहीं मिला, और बेहतर होगा कि आप लोग भी इसे रूमर्स के जरिए ही देखें। उसके साथ साथ अगले सीजन के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हेड कोच के बारे में भी एक रूमर्स निकल कर आया है। तो शायद अगले सीजन के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का हेड कोच हो सकते हैं अलेजेंड्रो मेनांडेज गार्सिया, जो पहले ईस्ट बंगाल के तरफ से एज ए हेड कोच काम करता था, और ये बात पता चला है क्वेस के तरफ से। तो क्वेस के साथ ईस्ट बंगाल का डील खत्म होने वाला है, और अगले सीजन के लिए क्वेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का स्पॉन्सर्ड बन सकते हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगले सीजन का स्पॉन्सर्ड के लिए क्वेस के साथ डील साइन कर लेते हैं, तो क्वेस अगले सीजन के लिए अलेजेंड्रो मेनांडेज गार्सिया को ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यू हेड कोच बनाएंगे। तो आप देखते हैं कि इनके ऊपर क्या ऑफिशियल अपडेट निकल कर आता है, और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ जाएगा तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।